हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनीताज किचन। मैं हूं पुनीता। आज हम बनाएंगे खाने में बहुत ही स्पेशल बट बनाने में एकदम आसान ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता, जिसे देखकर आप कभी इसे बनाने का मन कर जाएगा, क्योंकि बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो जल्दी से हर किसी को पसंद नहीं आती है, लेकिन बैंगन का अगर भरता बनाया जाए तो ये बहुत लोगों को पसंद आता है। आज हम इस रेसिपी को बनाने के लिए मल्टीटास्किंग करने वाले हैं, जिससे कि हमारे टाइम की भी बचत होगी और रेसिपी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके ये जो हमने बैंगन लिया है बड़े वाला, ये 350 ग्राम के करीब है, इसको हम रोस्ट कर लेंगे चूल्हे पर रख के। तो ये देखिए, इसको अलट पलट करते हुए रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि आज हमें मल्टीटास्किंग करनी है। तो हम दूसरे चूल्हे पर गैस ऑन करके एक पैन रख लेंगे और पैन में ऐड करेंगे हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम ऐड करेंगे इसमें 1 टी स्पून जीरा। जीरा को चटकने देंगे, जैसे ही जीरा चटक जाएगा तब हम ऐड करेंगे इसमें 1 बड़े साइज की फाइनली चॉप की हुई प्याज। बैंगन के भरते में प्याज बहुत ही अच्छी लगती है, प्याज का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा ज़्यादा प्याज का ही यूज करें। तो बस इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेंगे। तक प्याज फ्राई हो रही है तो चेक करेंगे बैंगन को। तो ये देखिए, बैंगन रोस्ट हो ही चुका है लगभग, बस थोड़ा सा हम इसको और अभी करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है ग्रीन ग्रीन सा, तो बस इसको थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे लगभग 1 मिनट के आसपास। तो ये देखिए, अब दूसरी साइड ओनियन को देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी प्याज बढ़िया से पिंकिश हो गई हैं, और बस अब हम ऐड करेंगे इसमें ये 8 से 10 लहसुन की कलियां, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो बस ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड हमारा बैंगन भी बस हो गया है रेडी। ये देखिए, ये खुद से ही फटना शुरू हो गया है, तो आप समझिएगा कि हमारा जो बैंगन है वो अच्छे से रोस्ट हो गया। तो बस अब गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में ले करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये देखिए, लहसुन और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 बड़े साइज का फाइनली चॉप किया हुआ टमाटर। ये देखिए, इसको मैंने पहले ही काट लिया था, और ले ली थी मैंने 5 से 6 हरी मिर्च, क्योंकि बैंगन के भरते में हरी मिर्च बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती हैं, तो इसको आप ज़रूर ऐड करें। बस इसको मिला देंगे, और मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा 1/2 टी स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे, जिससे कि ये टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो नमक डाल करके मिला देंगे एक बार, इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में, जिससे कि मसाला जले ना, और फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमारे जो टमाटर है लगभग गल ही गए हैं अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, टमाटर को थोड़ा सा और पकने देते हैं। अब चलते हैं बैंगन की तरफ। तो ये देखिए, बैंगन ठंडा हो गया है, बस अब हम इसको इस तरह नाइफ की हेल्प से इसका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, बहुत ईजिली उतर जाता है, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया एकदम से अंदर तक पक गया है। इस तरह से बनाया गया बैंगन का भरता बहुत ही यम्मी लगता है, इसका जो स्मोकी फ्लेवर होता है बहुत ही अमेजिंग होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। तो बस ये देखिए, हमारा बैंगन हो गया है छिलकर रेडी। तो अब इसको हम रख लेंगे एक दूसरी प्लेट में। तो देखिए, ये छिल गया है, बस अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे। इसके साइड के भाग को हम एक साइड रख कर देंगे, अगर आपको पसंद हो तो आप इसको रख सकते हैं। बस इसको नाइफ की हेल्प से इस तरह से हम मैश कर लेंगे, बाकी का ये हमारे पैन के अंदर ही मैश हो जाएगा। तो ये देखिए, और हमारे टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं, बस इसको थोड़ा सा इस तरह स्पून की हेल्प से मैश करेंगे। तो ये देखिए, हो गए हैं ना बिल्कुल अच्छे से पककर रेडी। तो बस अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर,
हाफ टी स्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे हम इसमें जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और 1/2 टी स्पून ऐड करेंगे हम नमक। ध्यान रहे नमक हमने पहले भी ऐड किया था जब हमने टमाटर को पकाया था, तो बस इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। फ्रेंड्स मसाले डालते वक्त हम फ्लेम को लो पर रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मसाला अच्छे से पक गया है, देख सकते हैं आप। बस अब हम ऐड करेंगे इसमें अपना रोस्ट किया हुआ बैंगन। तो ये देखिए इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, मैश करते हुए इस तरह से, ये देखिए, ताकि मसाले में जो हमारा बैंगन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बस फ्रेंड्स इस तरह हम इसको मसल मसल के इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मिक्स हो गया है, देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर, तो देखिए कितना बढ़िया आया है। तो बस फ्रेंड्स अब क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी डालने से इसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। बस मिक्स करेंगे इसको और मिक्स करने के बाद हम इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स लग रहा है ना बहुत ही यम्मी, तो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। तो देख सकते हैं आप हमारा बैंगन का भरता लग रहा है ना एकदम से लाजवाब। तो अब गैस बंद कर देंगे, ये देखिए गैस बंद करके अब हम चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता बनकर हो गया है तैयार। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स हमारा मल्टीटास्किंग करने की वजह से देखिए 10 मिनट का काम हो गया है ना 5 मिनट में। तो आप भी इस गर्मा गर्म बैंगन के भरते के साथ गर्मा गर्म पराठे या फिर रोटी को एंजॉय कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आप भी इस बैंगन के भरते की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।